हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्याज के दाम फिर बढ़ने का डर, भारत सरकार ने दी बांग्लादेश और यूएई को प्याज एक्सपोर्ट की मंजूरी। देश में कुछ समय से प्याज के दाम स्थिर थे लेकिन लहसुन के दामों की महंगाई आम जनता को रुला रही है। हालांकि बीते हफ्ते से प्याज के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज के रेट में इजाफा देखने को मिला है। जो प्याज 16 से 24 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा था वो अब इस शनिवार से आज़ादपुर मंडी में 17 से 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे इसके दामों में तेजी देखने को मिल रही है और इतना ही नहीं आगे भी इसकी कीमतों में तेजी आने की भरपूर संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी NCEL के जरिए संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात को लेकर मंजूरी दी है और इस फैसले के तहत 50,000 टन प्याज बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा जबकि 14,400 टन प्याज का एक्सपोर्ट यूएई को किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाद प्याज के निर्यात पर पिछले साल ही पाबंदियां लगाई गई थी। प्याज के निर्यात पर दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक के लिए बैन लगाया गया था जिसके बाद दुनिया के कई देशों में प्याज की सप्लाई का संकट पैदा हो गया और इसके बाद सरकार ने फरवरी में प्याज के निर्यात पर लगी हुई पाबंदियों में सीमित छूट दी थी। फरवरी के आखिर में सरकार ने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को प्याज निर्यात करने की मंजूरी दी थी। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी का दफ्तर। दिल्ली और पंजाब के सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर की जमीन से जुड़े हुए केस में बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने ये माना है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली दफ्तर यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना हुआ है और इसी के चलते कोर्ट ने इस जमीन को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए कोर्ट ने पार्टी को अपने दफ्तर को शिफ्ट करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। बता दें कि इस जमीन को जिला न्यायपालिका के विस्तार के मकसद से दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस जमीन पर आम आदमी पार्टी पर कब्जा करके यहां अपना पार्टी का दफ्तर बना लिया था और इसी मुद्दे पर पहले जस्टिस ने कहा था कि कोई भी कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता, आखिर कैसे कोई राजनीतिक दल जमीन पर कब्जा कर सकता है, जमीन निश्चित तौर पर कोर्ट को ही वापस दी जाएगी। दिल्ली के बाद अब हिमाचल प्रदेश की सरकार का ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेगी 1500 रुपए की पेंशन। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम सुक्खू ने शिमला में कांग्रेस पार्टी की चुनाव से पहले दी गई पांचवी गारंटी को लागू करने का ऐलान किया है। शिमला में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर सीएम ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान यानी कि अप्रैल के महीने से प्रदेश की 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि भाजपा अक्सर ये पूछती रहती है कि गारंटियां कब लागू होंगी, तो हमारी सरकार अब पांचवी गारंटी भी लागू करने जा रही है। सीएम ने बताया कि लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ पहले ही मिलने लगा है, अब हिमाचल की दूसरी महिलाओं को भी 1500 रुपए अगले वित्त वर्ष से मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि इस योजना के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार पर हर साल 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सीएम ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में अब महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब DAVV विद्यार्थियों को सिखाएगा मरीजों की देखभाल करना, अप्रैल से शुरू होगा कोर्स। बता दें कि एकल परिवार होने से घर में मरीजों की देखभाल करना अहम विषय है और यही वजह है कि अब कुशल पेशेंट केयर असिस्टेंट की जरूरत महसूस होने लगी है। वह ताकि मरीज का ख्याल रखने के अलावा उन्हें दवा व इंजेक्शन देने के साथ बाकी जरूरी काम भी कर सके और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहा है। 20 सीटों वाले
इस पाठ्यक्रम की शुरुआत अप्रैल से होगी। विश्वविद्यालय और अस्पताल के बीच अनुबंध किया जाएगा। विश्वविद्यालय के मुताबिक कुशल पेशेंट केयर असिस्टेंट की डिमांड अब बढ़ गई है। अस्पताल और घर में मरीजों का देखभाल करने के लिए अच्छा वेतन भी दिया जाने लगा है। विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र द्वारा वर्सेटाइल सोसाइटी एवं निजी अस्पताल के साथ मिलकर 3 महीने की अवधि वाला पेशेंट केयर असिस्टेंट का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य मरीजों की देखभाल करने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कुशलता से कार्य करने के लिए तैयार करना है, क्योंकि परिवार में वृद्धजनों अथवा अन्य सदस्यों को चिकित्सा से संबंधित जरूरतों व देखभाल के लिए कुशल सहायकों के लिए अस्पताल से संपर्क किया जाता है। मगर इनकी बढ़ती हुई डिमांड के चलते अस्पतालों में भी जरूरत पड़ने लगी है और इसके लिए परिवार 20,000 से 30,000 रुपये हर महीने खर्च करने को भी तैयार है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज का भारत के लिए 6.8% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। बता दें कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत में विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पहले भारत की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 6.1% अनुमानित किया था, जो कि अब बढ़कर 6.8% किया गया है। भारत की वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में वृद्धि दिखी है। वहीं आपको बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रहा है। वहीं वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून के दौरान जीडीपी 7.8% रही थी और तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़ों में तेजी देखने को मिली थी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि पूंजीगत व्यय और विनिर्माण गतिविधियों ने 2023 में वृद्धि को लेकर अच्छे नतीजे दिए हैं। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अब अनुकूल परिस्थितियां हैं और यही वजह है कि जिससे भारत आसानी से 6 से 7% की वृद्धि दर्ज कर सकता है। मूडीज ने कहा कि मजबूत गुड्स और सर्विस टैक्स संग्रह, बढ़ती हुई वाहन बिक्री, उपभोक्ता भरोसा और 2 अंक की ऋण वृद्धि से पता चलता है कि शहरी मांग मजबूत बनी हुई है। आपूर्ति पक्ष की बात करें तो विनिर्माण और सेवा PMI का विस्तार ठोस आर्थिक रफ्तार का प्रमाण है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका। तापस रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी TMC को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इस दौरान तापस रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मेरे लिए नहीं है। TMC नेता ने कहा कि इस पार्टी में जहां भी देखे भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। अपराध कोई और करे और उसकी सजा बाकियों को मिले, यह सही नहीं है। मेरा काफी समय से यहां पर विधानसभा से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। पार्टी के कार्यक्रम में भी मैं शामिल नहीं हो रहा था और आज मैंने इस्तीफा भी दे दिया है। मैं आगे क्या करूंगा इस बारे में मैंने अभी कुछ भी तय नहीं किया है। तापस रॉय ने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को सम्मान इस पार्टी में नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसी स्थिति भी बनी जहां पर मुझे यह महसूस हुआ। मेरे घर पर 12 जनवरी को ED की टीम पहुंची थी। इस घटना को आज काफी दिन हो गए हैं लेकिन पार्टी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति या सहयोग नहीं मिला है। रिटायर हो रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगेगा वर्कशॉप। रिटायरमेंट प्रक्रियाओं के साथ पेंशन कॉर्पस के निवेश पर मिलेगा गुरु मंत्र। बता दें कि अगले 12 महीनों में रिटायर हो रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे कर्मचारियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशनर वेलफेयर प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन करने जा रहा है, जिससे रिटायर हो रहे कर्मचारियों के सुपर एनुवेशन प्रोसेस में मदद की जा सके। ये वर्कशॉप भारत सरकार के रिटायर होने वाले कर्मचारियों के फायदे के लिए किया जा रहा है। इसे पेंशनर्स के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों की मदद करने और उनकी सुविधा के लिए भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फैमिली पेंशन, CGHS, आयकर नियम, अनुभव, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, निवेश मोड और अवसर को लेकर अलग अलग सेशन का आयोजन किया जाएगा और इन सभी सेशंस के जरिए रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पालन किए जाने वाले प्रोसेसेस और रिटायरमेंट से पहले भरे जाने वाले सभी फॉर्म्स के बारे में जागरूक करने और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पेंशन वितरित करने वाले बैंकों में शामिल SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए लगने वाले इस वर्कशॉप में शामिल होंगे, जिसमें ये बैंक पेंशनर्स के लिए पेंशन से जुड़े हुए बैंकिंग सर्विसेज की जानकारी रिटायर होने वाले कर्मचारियों के साथ साझा करेंगे। ये बैंक पेंशनरों को पेंशन अकाउंट कैसे खोला जाए ये तो बताएंगे ही और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि पेंशन कॉर्पस को कहाँ निवेश करना चाहिए और इसकी भी जानकारी साझा करेंगे।
बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में 5 मार्च को ये वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले 12 महीने में रिटायर हो रहे 300 केंद्रीय कर्मचारी इस वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है जो लोग रिटायर होने वाले हैं। फिर बदलेंगे बड़े नियम। केवाईसी के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में भारत सरकार, ये होगा नया बदलाव। सरकार फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिस्क बेस्ड यूनिफॉर्म केवाईसी लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इन नॉर्म्स को मई जून तक लागू किया जा सकता है। बता दें कि FSDC बैठक में रिस्क बेस्ड यूनिफॉर्म केवाईसी की समय सीमा पर चर्चा की गई है और इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पैनल ने 2023 में रिस्क बेस्ड यूनिफॉर्म केवाईसी नॉर्म्स की सिफारिश की थी। RBI ने बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज को केवाईसी के पीरियोडिक अपडेशन के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाने के लिए कहकर कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नॉर्म को कड़ा कर दिया है। रिस्क बेस्ड यूनिफॉर्म केवाईसी अपग्रेडेशन को बेसिक से वेरी स्ट्रॉन्ग करने का सुझाव दिया गया है और इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA एक्ट 2002 में भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मौजूदा समय में इंटर डिपार्टमेंटल सरकारी पैनल और रेगुलेटर्स RBI की इस सिफारिश पर काम कर रहे हैं। 2015 के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर में समान KYC नॉर्म्स और KYC रिकॉर्ड की अंतर उपयोगिता का प्रस्ताव रखा गया था और इसके बाद 2024 के बजट में ये कहा गया कि KYC प्रक्रिया एक सरल रिस्क बेस्ड बनाम वन फिट्स ऑल अप्रोच को अपनाएगी। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को हुआ कैंसर, आदित्य L1 लॉन्चिंग के दिन पता चल गया था लेकिन नहीं रोका गया मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 के लॉन्चिंग वाले दिन ही सोमनाथ को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने का पता चला था। हालांकि इसकी जानकारी होने के बावजूद वह घबराए नहीं और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में यहां पर इंटरव्यू में सोमनाथ ने इसका अब खुलासा किया है। सोमनाथ ने अपने इस इंटरव्यू में बताया है कि स्कैनिंग में कैंसर का पता चला था। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च के दौरान भी उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी, हालांकि उस समय कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 मिशन के दिन ही उन्हें कैंसर का पता चला था और इसकी जानकारी मिलते ही वो और उनका परिवार दोनों परेशान हो गए थे। बता दें कि एरोस्पेस इंजीनियर ने याद किया कि 2023 के मध्य में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने पर उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था और महीनों बाद जब भारत ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया तो उन्हें अपने पेट में कुछ परेशानियों के बारे में पता चला जिसके लिए सर्जरी और कीमोथेरेपी की आवश्यकता थी। कुछ ही दिनों में कैंसर की पुष्टि हो गई और डॉक्टर ने सोमनाथ को सर्जरी कराने की सलाह दी। यूपी में रिकॉर्ड निवेश, अगले 3 साल में 250 स्टार्टअप होंगे स्थापित। उत्तर प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में निवेश के साथ नए उद्योगों की भी स्थापना हो रही है। प्रदेश में नए उद्योग लगने से रिकॉर्ड संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। अगले 3 वर्षों में 250 स्टार्टअप की स्थापना होगी और इन स्टार्टअप से अप्रत्यक्ष तौर पर 20 लाख कार का सृजन होगा। प्रदेश में कुल 14,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए 34 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को चला रही है और इसका मकसद हर जिले को एक खास पहचान दिलाना है और स्कीम को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। हर जिले के खास उत्पाद को बढ़ावा देकर उसे और बढ़ावा दिया जाता है। इसके जरिए प्रदेश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनने के लिए साथ ही यहां पर सक्षम बनाने के लिए भी अवसर प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें वही दुग्ध उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश का नंबर वन राज्य है। प्रदेश में श्वेत क्रांति का ही नतीजा है कि इस सेक्टर में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर भारत पाकिस्तान के मैच के टिकटों के रेट आपके उड़ा देंगे होश, करोड़ों में जा पहुंची है इसकी कीमत। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और सबसे अहम मुकाबला होता है और दोनों ही टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 में 6 जून को न्यूयॉर्क में एक महामुकाबला खेला जाना है और इसकी टिकटों की रीसेल अब आसमान छू रही है। ऑफिशियल सेल में मैच टिकटों की सबसे कम कीमत $6 थी जबकि प्रीमियम
प्रीमियम सीटों के लिए सबसे महंगे टिकट की कीमत बिना टैक्स के $400 थी। हालांकि जिन टिकटों की कीमत पहले $400 थी, वो टिकट अब रीसेल में $40,000 यानी लगभग 33 लाख रुपए में उपलब्ध है। और यदि इसमें प्लेटफॉर्म शुल्क भी जोड़ दिया जाए तो ये राशि $50,000 यानी लगभग 41 लाख रुपए तक पहुँच जाती है। USA Today की एक रिपोर्ट के अनुसार सुपर बाउल 58 का औसत टिकट सेकेंडरी मार्केट में $9,000 में बिक रहा है, जबकि NBA फाइनल के लिए कोर्ट साइड सीटों की कीमत $24,000 तक थी। वहीं सीट गीक प्लेटफॉर्म पर सबसे महंगा टिकट $1,75,000 में लिस्ट किया गया था। इसमें प्लेटफॉर्म चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज जुड़े हैं, जो ये आंकड़ा लगभग 1,86,00,000 रुपये तक पहुँच जाता है। व्हाट्सएप ने जनवरी में 6,72,000 अकाउंट्स किए बैन। व्हाट्सएप ने लाखों भारतीय यूजर्स के अकाउंट जनवरी 2024 में बैन किए हैं। नए आईटी नियम के अनुसार मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म से ये सारे अकाउंट्स को हटा दिए हैं। इससे पहले व्हाट्सएप ने नवंबर 2023 के करीब 73 लाख अकाउंट्स को भारत में बैन किए थे। व्हाट्सएप के एक मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट में बैन हुए अकाउंट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, जिसमें से ज्यादातर अकाउंट्स पर फर्जी अफवाहें फैलाने और पोस्ट शेयर करने की वजह से एक्शन लिया गया है। व्हाट्सएप ने अपने कंप्लेंट रिपोर्ट में कहा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 के बीच भारत में 6,72,000 अकाउंट्स को हमने बैन कर दिया है, और इसमें से 1,35,000 जो अकाउंट्स हैं वो यूजर द्वारा रिपोर्ट किए जाने से पहले ही व्हाट्सएप के द्वारा बैन कर दिया गया है। भारत में व्हाट्सएप सबसे अधिक यूज किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। वहीं इस ऐप के 500 मिलियन से अधिक भारतीय यूजर्स हैं। बता दें कि मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को जनवरी 2024 में 14,828 शिकायतें मिली थी। इसमें से ज्यादातर शिकायतों पर व्हाट्सएप ने एक्शन लिया है, और एक्शन लिए गए अकाउंट्स में वो अकाउंट भी शामिल हैं जिन्हें या तो बैन किया गया है या फिर पहले से बैन हुए अकाउंट्स पर से प्रतिबंध हटाया गया है। NIA करेगी बेंगलुरु धमाके की जांच। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसी को दी जिम्मेदारी। बेंगलुरु से रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करेगी। गृह मंत्रालय ने एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले मशहूर रामेश्वरम कैफे में हुए IED ब्लास्ट की जांच सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी CCB को सौंपी गई थी। वहीं कर्नाटक पुलिस कई एंगल से इस केस की जांच कर रही है। इसमें बिजनेस राइवलरी और राज्य में होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले लोगों को आतंकित करने की साजिश जैसे एंगल शामिल हैं। वहीं यह विस्फोट व्हाइट फील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुआ है, जिसमें 10 लोग घायल हुए। पुलिस को संदेह है कि टाइमर के साथ एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED विस्फोट का कारण हो सकता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम के यहाँ बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार 1 मार्च को करीब दोपहर के 1 बजे ये बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। पंजाब में GST कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक्साइज शुल्क में भी हुआ इजाफा। पंजाब में GST कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। प्रदेश में GST कलेक्शन में 15.69% का इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ ही एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में भी 11.71% का इजाफा हुआ है। इस फरवरी के महीने के अंत तक प्रदेश सरकार ने GST और एक्साइज कलेक्शन काफी अच्छा किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि GST कलेक्शन फरवरी के महीने तक इस वित्त वर्ष में 19,222 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 16,615 करोड़ रुपए था। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में 2,606 करोड़ रुपए के GST कलेक्शन का इजाफा देखने को मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्साइज से प्राप्त हुए राजस्व में भी इजाफा हुआ है और इसमें 842 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इस वित्त वर्ष में 8,093 करोड़ रुपए का एक्साइज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 7,244 करोड़ रुपए था। इससे यहां पर उन बेहतर योजना और कार्यान्वयन से प्रदेश में रिकॉर्ड राजस्व इकट्ठा हुआ है और इसमें 13.85% का इजाफा देखने को मिला है। वैट CST GST PSDT एक्साइज के जरिए फरवरी महीने तक 34,158 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य को प्राप्त हुआ है। BJP के कुलजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीता। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के दोबारा हुए चुनाव में वरिष्ठ महापौर के पद पर भाजपा के कुलजीत सिंह संधू ने जीत दर्ज की है। चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी को 19 वोट मिले हैं, कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी को 16 वोट मिले हैं और 1 वोट को अवैध घोषित किया गया। परिणाम की घोषणा मेयर ने की है। 35 सदस्यीय नगर निगम सदन में भाजपा के 17 पार्षद हैं। 19 फरवरी को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के
भाजपा में शामिल हो जाने के बाद भाजपा की संख्या बढ़कर 14 से 17 हो गई है। बता दें कि भाजपा के नेता और चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर को भी निगम के पदेन सदस्य के रूप में मतदान का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव के परिणाम को 20 फरवरी को पलटते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया महापौर घोषित किया था और न्यायालय ने 30 जनवरी के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह जो कि भाजपा के नेता हैं उनके खिलाफ गंभीर कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया था। उत्तराखंड में भी दंगाइयों से होगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धामी कैबिनेट ने सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को मंजूरी दी है और इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लेकर आई है। इसमें हड़ताल, दंगा और बंद के दौरान अगर किसी ने सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तो उससे इसकी वसूली की जाएगी। सरकार इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास अब भेजेगी और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है। इस अध्यादेश के बाद अब राज्य में दंगा और प्रदर्शन के दौरान अगर सरकारी और निजी संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उसी से ही इसकी सारी भरपाई करवाई जाएगी। ये अध्यादेश कुछ उसी तरह का है जैसा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर आई थी। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से वसूली की जा रही है। सरकार अब तक कई गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी जमीन को नीलाम भी कर चुकी है। इसके अलावा कई दंगाइयों से वसूली भी की गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसके अलावा बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। सदन में नोट लेकर दिया वोट या दिया भाषण तो चलेगा मुकदमा, सांसदों विधायकों को कानूनी छूट से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या फिर वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 7 जजों ने सहमति से यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों या विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा चलाया जा सकता है। 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में 5 जजों के संविधान पीठ का फैसला पलट दिया गया है। ऐसे मामले में यहां पर नोट के बदले सदन में वोट देने वाले सांसदों या फिर विधायक कानून के कटघरे में खड़े होंगे और केंद्र सरकार ने भी ऐसी किसी भी छूट का विरोध किया था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है और इसके प्रभाव के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट वर्षा और बर्फबारी होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलेंगी और बिजली गिरने की भी संभावना है। आज का सुविचार, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।